भारत सरकार ने एक बार फिर से चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। इस बार 54 चीनी ऐप्स को बैन किया गया। आपको बता दें कि साल 2020 से लेकर अब तक सरकार ने 270 चीनी ऐप्स को बैन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने 54 चीनी ऐप्स को बैन किया है। इसमें वो ऐप्स हैं जो कि बैन होने के बावजूद भारत में अपने क्लोन ऐप के जरिए यहां के मार्केट में अपना ऐप चला रही थी, उनको बैन किया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में ये पहला मौका है जब चीनी ऐप्स पर मोदी सरकार का हंटर चला है। इससे पहले सरकार ने जिन ऐप्स को बैन किया था उनके ही कुछ क्लोन ऐप जो हैं वो मार्केट में फिर से उनको लॉन्च किया था चीनी कंपनियों ने। सूत्रों की माने तो सरकार ने इन ऐप्स को बैन किया है जो पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे, यानी ये ऐप्स नाम बदलकर वापस भारत में रिलॉन्च किए गए थे। इनमें से ज्यादातर ऐप्स तो ऐसे थे जो संदिग्ध सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे या वो यूजर की जानकारी के बिना उनका डेटा सीधे चीन भेज रहे थे। इस तरह के ऐप्स पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पहले भी कई चीनी ऐप्स को बैन किया है और फिर से एक बार 54 चीनी ऐप्स को बैन किया गया है। बैन किए गए ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ ऐप्स अभी भी यूजर्स के फोन पर काम कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने पहले से इन ऐप्स को डाउनलोड किया है ये उनके फोन पर एक्टिव है। मिली जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्द ही बैन किए गए ऐप्स की एक लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि जो हमारे पास लिस्ट है उसके मुताबिक जो तमाम 54 कंपनियां हैं, सबसे पहले आप उन पर एक नजर डालिए। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐप हैं जो कि बैन हो सकते हैं। इसमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, कैमकार्ड फॉर सेल्सफोर्स ENT, आइसोलैंड 2, एशेज ऑफ टाइम लाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट, एक्सरीवर, ओनम्यूजी चेस, ओनम्यूजी अरीना, एपलॉक, डुअल स्पेस लाइट समेत 54 ऐप्स ऐसे हैं जिनको सरकार जो है वो बैन करने की घोषणा बहुत जल्द कर सकती है। बैन होने वाली कंपनियों के लिस्ट में गैरेना फ्री फायर भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से ये गायब है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे भी बैन किए गए ऐप्स के लिस्ट में होने के कारण रिमूव किया गया है। हालांकि इस बात की फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है, ना इसको लेकर गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है। आपको बता दें कि साल 2020 में जब सरकार ने पबजी और टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स को बैन किया था तब चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि चीन की ये कंपनियां भारत में बहुत बड़ा बाजार थी और भारत की जो का जो ऑडियंस है या भारत का जो मार्केट है वो उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट था। लेकिन साल 2020 में पहली बार सरकार ने इनको बैन करके चीन को बहुत बड़ा झटका दिया था। अब फिर से 54 ऐप्स को बैन करके भारत सरकार चीन को एक और झटका देने जा रही है।